हमारे देश में कई बार महिलाओं से जुड़े कानूनों पर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं और कई बार वो बहुत से सवाल जायज भी लगते हैं। आपके सामने आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जिसका नाम है राखी केस। इस केस को न्यूज़पेपर्स में राखी केस इसलिए रिपोर्ट किया गया था क्योंकि इस केस में एंटीसिपेटरी बेल लेते समय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई थी। इन कंडीशंस को हम ध्यान से देखें तो यही नहीं समझ में आता कि क्या ऐसे केसेस में कोर्ट वाकई न्याय देना भी चाहती है। पहली टर्म ये थी कि जिस व्यक्ति ने जिस महिला को हैरेस किया था उस व्यक्ति को रक्षाबंधन के दिन उस महिला के घर जाना होगा और उससे राखी बंधवानी होगी, साथ में मिठाई भी लेके जानी होगी और जो उस महिला का छोटा बच्चा है उसके लिए 5,000 रुपए तक के कुछ गिफ्ट्स भी लेकर महिला को भी 11,000 रुपए देने होंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई हैं ऐसे केसेस में जहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे ऑफेंसेस भी इन्वॉल्वड हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ऐसी ही टर्म्स एंड कंडीशंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये भी कहा कि जजेस को ऐसी कंडीशंस जो कि न्यायोचित नहीं है उनको लगाने से बचना चाहिए। आप इस केस को पढ़ सकते हैं, इसका टाइटल है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य।